हम लोगों को द्वारा यहाँ पर चापाड़ा यवतमाल में जो मोनेस्ट्री बनाई गई है वहाँ पर ये बरगद का एक वृक्ष लगाया जाएगा, जिसमें भंथे जी के द्वारा ये दिया गया है लगाने के लिए। इस वृक्ष को देखिए, यहाँ पर भंथे जी भी हमारे साथ में हैं और इस वृक्ष को हम लोग लेकर जा रहे हैं, अभी गेट के सामने लगाएंगे, इस गेट के सामने इस वृक्ष को। यहाँ पर पूज्य गुरु के द्वारा यह पौधा दिया गया है। यहाँ पर जो मोनेस्ट्री बनाई गई है उसमें ये बरगद का पेड़ हम लोग लगाने जा रहे हैं, जो पूज्य भंथे डॉक्टर अशोक बोध के द्वारा दिया गया है। इस वृक्ष को हम लोग लगाने जा रहे हैं, अभी गेट के सामने लगाया जाएगा इस वृक्ष को। और ये बहुत ही अच्छा है जो पर्यावरण के लिए और आने जाने वाले लोगों के लिए भी एक छाया का काम करेगा, बैठने के लिए भी वहाँ पर बनाया जाएगा चबूतरा जैसे। और ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बस्ती उत्तर प्रदेश से चल करके यहाँ पर आए हैं धम्म उपासक, जो हमारे साथ में हैं अनिल कुमार हैं और विजय सेन गुरु जी हैं और संजय कुमार राव जी हैं, जो बस्ती उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। इस समय देखिए वृक्ष को लेकर आ रहे हैं और इस वृक्ष को अभी लगाया जाएगा यहाँ पर। इस पौधे को हम लोग गेट के सामने लगाएंगे। ये दिलीप कुमार धम्म उपासक हैं, जो छपिया गोंडा से हैं, मेहदिया रामदत्त धड़ौआ मेहदिया गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ पर हमारे साथ में हैं। और हम लोग 1 अक्टूबर 2022 को इस चापाड़ा यवतमाल में पहुँचे हैं, 2 दिन के शिविर में यहाँ शामिल हुए हैं शिविर में। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लोग गेट से बाहर आ चुके हैं, अभी ये सड़क के किनारे लगाया जाएगा यह वृक्ष। और इस वृक्ष को भंथे जी भी अपने हाथ से पकड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये एक पहचान बनेगी कि यहाँ बस्ती उत्तर प्रदेश के द्वारा इस वृक्ष को लगाया गया है। और जो भी आएंगे जानने जाने वालों के लिए यहाँ बैठने की सुविधा बनाई जाएगी। और यहाँ देखिए गड्ढा खोदा गया है, गड्ढा तैयार किया गया है, इस गड्ढे में अभी लगाया जाएगा। चालू कर दिया। ओके, देखिए हम लोगों द्वारा यहाँ वृक्ष लगाया जा रहा है। और ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो नमो संघाय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्वाय, नमो भाग्यशाली है कि कम से कम बस्ती आकर के यहाँ पर जो है हम लोग अपना एक पहचान बना रहे हैं। जब भी आएंगे तो हमें असल नंबर का भी है। नहीं आएंगे तब भी हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ आप जा रहे हैं तो 3 नंबर का पेड़ हम लोग का ये देखिए, ये बहुत वृक्ष हम लोगों के द्वारा लगाया गया है, जिसमें यहाँ पर हमारे साथ में क्या नाम है, प्रकाश बोधि प्रकाश जी हमारे साथ में हैं और जो एक शिक्षक थे, रिटायर हो चुके हैं। देखभाल उन्हीं की जिम्मेदारी पर रहती है और बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। क्या लाना है, क्या यहाँ पर देखभाल भी सारी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं लगातार जब से यहाँ पर। और
आप सर हमारे बगल में आइए सर, आपका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर इसको खड़ा करने में। आप सर्विस में रहते हुए भी यहाँ का बहुत समय दिए हैं, 2007 से लगातार यह, क्योंकि काफ़ी दूरी में काफ़ी समय लगा, काफ़ी रुपया लगा है इसको बनाने में, लेकिन आज मैं धन्य हो गया जो पूज्य पंते डॉक्टर अशोक घोष के माध्यम से यहाँ पर हमें एक पौधा लगाने का अवसर मिला। उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आप लोग एक वृक्ष यहाँ पर लगाइए, और भी ऐसा वृक्ष जो बरगद का वृक्ष है जो छाया देता है, ऑक्सीजन भी, और यहाँ पर बैठने के लिए भी बनाई जाएगी, और जो भी कभी यहाँ हम लोग आएंगे तो याद रहेगा कि बस्ती उत्तर प्रदेश से यहाँ पर हम उठवा सकते हैं। उनके द्वारा यह वृक्षारोपण किया गया है, और हमारे साथ में विजय सेन शिक्षक हैं और बस्ती उत्तर प्रदेश आए हैं। हम लोग बच्चे से आए हैं और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार वट वृक्ष बढ़ता रहेगा वैसे ये संस्था जो है दिनों दिन प्रगत करती रहेगी, और हम विश्वास करते हैं वट वृक्ष आपसे कि हमारे जो चारों मित्र साथ में हैं जीवन पर्यंत स्वस्थ और सुखी रहे, आशा करते हैं, और हमारे मंत्री जी दिनों दिन प्रगत के रास्ते पे चलते रहें और दिनों दिन उन्नत करते रहें। पेड़ लेते बोले तो देख बहुत सब मंगल गु सपदेव सदा सन्ती बोधि बोधि कृपा से आप सब के यहाँ पर पूज्य गुरु डॉक्टर अशोक बोध के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण में यहाँ पानी डाला गया है, और बारी बारी से यहाँ पर जितने भी धम्म उपासक हैं सबके द्वारा यहाँ पर डाला गया है। यह पेड़ डॉक्टर अशोक बोध के द्वारा बस्ती उत्तर प्रदेश से आए धम्म उपासक को यहाँ पर दिया गया है बैठाने के लिए, और उनके द्वारा यह बरगद का पेड़ लगाया गया है जो एक यहाँ पर पहचान बन गई है इस मनोष्ट्री के सामने। ये बहुत खुशी की बात है, और हम इस बहुत वृक्ष को दिखाते हैं। वो क्या पानी जमा इतना आ रहा है, वो क्या है पानी जमा रहता है ना अभी, नहीं वो सर मतलब ठीक है ना, पेड़ झुक जाएगा इसको, नहीं अभी उसके ऊपर डाल के बोल देंगे पेड़ झुकेगा। हाँ वो क्या करते हैं वो जिस पर बाजू में पानी बंद कर दो, पानी बंद कर दो।